गुड मॉर्निंग संगमाने, वेरी गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि ओडिया ब्लॉग्स। तो संगमाने, सकाल चलती मोर मॉर्निंग वॉकिंग, घर ही वॉकिंग कर दूची, आउ छातरे बेले बेले वॉकिंग करे। एबे तो वर्षा लागी लागी रही थिला, आज टिके पागटा ठीक अच्छी, फिर भी मेघुआ मेघुआ का पाग, केतल मान अल्प खरा होतापर हाजी दूची मन इच्छा। तो मुझे घरे ही मोर सब कम सरलानी, सकाल पूजा कम सरलानी, आउ हबी पिलाने सबू स्कूल ऑफिस पड़े। सकाल ब्रेकफास्ट मैंने से मानक देली, आउ मु खाइनी, मु डायरेक्ट एक्सरसाइज कला खाइबी। आपर से लंच बक्स बन दीदी मोर रोषेवास हम मु ब्रेकफास्ट खाइबी। बस एबे कौन जे टे चलला स्पीड स्पीड मध्य धाऊँ, तापर टे एक्सरसाइज करी टे समय, तापर प्राणायाम टे करी। तो एमती एवं मोर सका समयटा कटि जाऊँगी, आ मोर तब 50K भी हो सांगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे भाव कल ही कि बहुत अल्प आसिक रही जा मे बी ए ब्लगटा पर ही हो 50K, आज ही हो भाई। मुझे भावुँ कल कि बहुत अल्प अल्प माने सब्सक्राइबर ही अच्छा करदे बास मोर चैनल रे हो मोर 50K। तो सांग माने आपन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो सांग माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर चंदी और मते आज ये जगह रे पहुंचे चंदी, थैंक यू सो मच। सांग माने आपन माने के जण मते काली पार्टी भी मांगी चंदी, तो पार्टी तो बनता है, शिवर बनता है पार्टी। आउ मु खाली जगी गोटे एक्चुअली आपण मान सहित गोटे न्यूज भी सेयर करे आसी, जमी कहली सहीटा तो अच्छी, आउ गोटे भल गोटे मान खबर मत देवार अच्छे, किंतु एबे नै सेटा कन्फर्म हैनी। जदि सेटा कन्फर्म हो जाउछि ताले ता सहित ही केक कटिंग पार्टी पूरा 50K सेलिब्रेशन टा हबो। ता सहित कले 50K सेलिब्रेशन टा बहुत बढ़िया लगे, मते बहुत खुशी लगे। तो मु खाली जगी हेला थोड़े कन्फर्म होगा पर मु आपण मान सहित सेयर करबी। एक्चुअली सांग माने एबे ना मु किछि दिन भितर ही आपण मान सहित दुईटा बढ़िया बढ़िया खबर शेयर करी। गोटे तो खबर जमी कि काली ही काली ब्लॉग रे किबा पहदन ब्लॉग रे आपण मान जानिदेबे, आउ गोटे खबर आउ गोटे न्यूज बहुत अल्प दिन भितर मे बी 3-4 दिन भितर ही आपण मान सुनेबी। दुईटा जगह गुड न्यूज, किंतु गोटे गुड न्यूज रे मु खुशी भी हुए दुख भी हुए, आउ सेटा के गेस करथे वाले निश्चय कहबे। Oh।
सरला मोर एक्सरसाइज आउ प्राणायाम एवं ब्रेकफास्ट करी तापर रोसईवास स्टार्ट करी है ब्रेकफास्ट कला टे मोर यूट्यूब जहाँ कम अच्छे करदेवी ताप रोसईवास करी आज भाव संतुला करी आंजी मान भात अच्छी तो भावुँ कांजी टे कर मानते कांजी सब पर भी अच्छी भिंडी अच्छी अमृतभंडा अच्छी बोईतालु अच्छी सब पकईरी कांजी टे संतुला करें मैंने कर रखीदे रात की सीटा खाया भी हो रुटी सहित सहित कौन देखा भजा भजी कले कर चलते आज दिन स्टार्ट करवा गुड मॉर्निंग सांग मैंने वेरी गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि ओडिया ब्लॉग्स। आगर तो मुझे स्टार्टिंग वॉइस ओवर आपण मानक वेलकम करदे कि फ्रंट टू फ्रंट कथार मजा गोटे अलग वेलकम करा गोटे अलग नाई कि पूजा पूजी सब कम सर एवं उठवा तापर जीबा जो तीन वर्ष होगा बंद कर रखी थी पुणी स्टार्ट कल मोर पी गाड़ी पटरी की पलैसला करिया कथा मझे पूरा हेला करी पूरा छाड़ दे आओ किंतु एबे हेला हबार नहीं लग लॉकडाउन पर ही सब पिला घर रे हबी रे एमती रंधा बड़ा खियारे ना गोटे मानने कौन आहित तो पूरा टाइम टा पूरा पलाए आउ पाने हबी घर रही ना सहित तो टाइम स्पेंड करा भी भल लगे तापर मोर यूट्यूब कम से सब बिजी मोर निजर आ कि एक्सरसाइज ना निजर किसी ना खाली पीली बिंदास बुलली तो आज ब्रेकफास्ट करी मु प्याज कंचमच आउ करी पत्ता सब पक चकुली दीटा मोप करी पिला तो खाई पड़ी मुझे करी मोप गरम गरम दुटा चकुली करी आज आ सहित खायाप कि ना अल्प टिके भजा भाजले जहाँ से सब नहीं पलैते आने से तो जल्दी जल्दी पर काटिक रांधी थी से तीन जन जाक होता मोर पिज चकुल थी मत दरकार ना मत इमिका खाया भल लगे तो मोप दीटा बनईदेवी आ खाईदेवी तो सांगर ना गोटे पिज जो काटे ना टावाटा को ग्रीस करने से जो पिजटा लास्ट चकली दीटा तो बनैली मुझे सहित ही भाजी दूची से पिजटा ना सेमती भाजिकले ना स्मोकी फ्लेवर बढ़िया आसे भजा पिज अल्प हाल्का हाल्का भजा ही थी बढ़िया लगे खायाप पिज मानते चकली सहित तो मुझे ए खाऊँगी आगे सांगे मोर कम अच्छी मुझे एडिटिंग रात बेस किसी कौन था सका करी सका मुझे मोर एक्सरसाइज आउ प्राणायाम सब टाइम पड़ा तो मत टे इे लेट हो जाऊँ चल धीरे 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 माने आहरी अभ्यास हो तुम्हें जल्दी जल्दी आहरी कम मुझे मानते जल्दी जल्दी करने हाथ स्पीड करने चेषा करोर सांग सांगे मोर एडिटिंग कम भी चलती इे खिया कम चलती धीरे धीरे कम चलती खिया पिया सरलापर मुझे समय बसिक एडिटिंग कर तापर आसबि रोसे करने आज तो भाभी प्रथम संतुला करी किंतु प्लान चेंज होगा पर देखला
कौन प्लान चेंज होता आप आग को देखिले जानिए वीडियो रे कांजीरा तो हम निश्चय वर्षा पाग को ना मत कांजीरा खाया ये इच्छा होता तो भात भी रातिर बड़ी तो भात कांजी तो हम ता सहित कौन हम देखु फ्रिजटा खोलला बेले देख ली पर तो सब प्रकार पर अच्छी ता सहित अमृत भंडा गोटे ना केतदिन अच्छी तार पत्रकोबीटा थी पत्रकोबी भाजीदेवी आउ कांजी की संतुला भल लगे तापर कांजी जदि होने राति हबी आसिले कहे कि कांजी भात खाइए बोली झील भी कह कांजी भात खाइए बोली आउपाई रुटि न करके भाई भात भात खाइब के सहित मुझेपी कांजी आ पत्रकोबी आलू तरकारी करदेवि भाविल तेज़ बस काटिदे पर संतुला के दिन करिया संतुला करेनी कारण कांजी हम तो संतुला भल लगे पत्रकोबी अच्छे पत्रकोबी भाजदेवि पत्रकोबी भजा आलू आलू पक पत्रकोबी भाजी अल्प रखिदेवि तीन पकेबी कांजी पनीकी ना बसिक बड़ बड़ सब पर काट बढ़िया लगे इमित पवन पिटुच सांग आज उफ कहू ना मम्मी पूरा मफलर पूरा जोरी आई बांधि सरला एत जोर पवन पिटुच थंडा थंडा पका को गरम गरम कांजी गरम प्रिया कांजी बढ़िया खाया फ्रेश कांजी तोरणी कांजी तो ना फ्रेश कांजी टमाटो आंबूल पक तो परिया पत्र काटिक धरिक पलि आसली रोसे घर को आईटे मोर रात भात पड़ जाइए ना ये भात हिं कांजी करी खुदरे भी बहुत कम करे भात हिं कर दिए इजी रहे मते तो भात को पूरा एमती हाथ में पूरा दला दली करी कुकर में पकईदेली पानी देदेवि जी दरकार पर पकईदेवि तो पर नहीं अमृतभंडा बोईतालु तापर टमाटो भेंडी मध्य पकेबी तो छोट कुकर पकेदेली तो से बेसला सीझेदेला पछे पा देकर भेंडी पकईकी फुटेदेवि टे हलदी गुंड लुण पकईदेली आउ टमाटो तो पकईदेगी ए गोटे दी तीन टाइम से लगेदेवि तो ये ये मुझे मानते करी पत्रकोबी आलू तरकारी टी रसा रसा तरकारीटा ही करी पूरा भजा भजा करी कारण एबार पत्रकोबी जगह ना कड़े एत भल से भाजी हेनी कुकर में करदे खाया भल लगे मिसी जाए तो तेजपत्र अलच दीटा कुटिकी तेल में पकईदेली आर्ष तेल तो करें तेल गरम मसाला पर पकईदेली पिज पकईदेली पिज पूरा भाजी सारापर आलू एम बड़ बड़ टे का स्क्वेर स्क्वेर पकईदेली आलू लगे अल्प समय टे खाली भाजीदेवि तापर ए पत्रकोबी पकईबी ता आगु एपटे मोर सीटी पूरा पलि आसाला मुझे दी तीन टाइम सीटी लगे कांजी में तो देखो कांजी सीझी जाइए मानते कौन तार पर भात पूरा सीझी जाइए सीझा भा भात तो होता कि हाँ गोली भात जमी कांजी जी दरकार सेमती मुझे आईदेली आ भेंडी जाक बड़ बड़ काटिदे पकईदेली एवं आ गए भल बइल आसा देवी कांजी में तापर ए फुटेबी फुटेबी आंबू रस भी देवी ये मोर पिज आलू भाजी होता है अदा रसुण बटा टे पकईदेली अदा रसुण जीरार बटा टिके समय कषिदेवि
ଆଉ ଭଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ଝୁକଝୁକିଆ ଭଜା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଖାଲି ଦେଇଥିଲି ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରୁଟି ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଭାତ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀ ଗୋଳେଇ ଗୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ଯେକୌଣସି ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ ହେବ। ତାପରେ ପତ୍ରକୋବି ପକାଇଦେବି, ଗରମ ମସଲାଟା ପଛେ ପକାଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ପତ୍ରକୋବି ପକାଇଦେଲି, ପତ୍ରକୋବିଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା କୁକର। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତ୍ରକୋବି ଯାକ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏତେ ଯାକ ଶାଗ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୋବି ଗୋଟେ ତା ଭାଜିଦେବେ ମାନେ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇବ, ତ ପୁରା ନହିଁଯିବ, ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା ତ ପୁରା ଅଧା ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ନା କୁକର ଅଧା ହେଇଯିବ ତରକାରୀ। ତ ଯାହା ଥିଲା ପତ୍ରକୋବି ପୁରା କାଟିଦେଲି, ଆଉ ରଖିଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବନି। ଶୀତ ଦିନରେ ପତ୍ରକୋବି ଯାକ ନା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ଯଦି ତେଲ ଭଜା ବି କରନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ଏକା ବଢ଼ିଆ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏବର ଆଉ ଖରାଦିନର ସେ ପତ୍ରକୋବି ଯାକ ନା ଏମିତି କୁକର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେଠି ଏକା ଟିକେ ମିଶିଲା ପରି ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପତ୍ରକୋବିଟାକୁ ନା ଟିକେ ନ ମିଶିଥିବ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ରେ କିମ୍ବା ଚାଓମିନ୍ରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଏମିତି କରିବା ଭଜା ତରକାରୀ ନା ଟିକେ ମିଶିକି ଥିଲେ ଏକା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁକର୍ରେ ହିଁ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିକିରି ପାଣି ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ସିଟି ଲଗାଇଦେବି। ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ସିଟି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀଟା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କଷିବି, ତାପରେ ସିଟି ଲଗାଇବି। ତ ସେ ପତ୍ରକୋବି କଷି ହେଉଛି, ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କାଞ୍ଜି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। କାଞ୍ଜିର ଫୁଟଣଟାର ହିଁ ତ ମଜା ଥାଏ, ମାନେ ଅସଲି ଖେଳ ହେବ ମାନେ କାଞ୍ଜିର ଫୁଟଣ। ଫୁଟଣ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ କାଞ୍ଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଗଲି, ତାପରେ ଟିକେ ବେଶିକିରି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ବେଶିକିରି ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ କରିପତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କରିପତା ପକାଇଛି, ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେଲି। ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଲା ପରେ ଚାଉଁ ଚାଉଁ ପୁରା ଗରମ କାଞ୍ଜି ପୁରା ପଡ଼ିଯିବ ଫୁଟଣ୍ଡାରେ, ଆହ କି ବାସ୍ନା, ପେଟେ ଭାତ ପୁରା ଖାଇଯିବ। ତ କାଞ୍ଜି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଶେଷରେ ମୁଁ କେବଳ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇନଥିଲି, ତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେବି, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ କାଞ୍ଜି ମାନେ କରିବା ଦେଖାଇଥିଲା, ଲେମ୍ବୁ ଟମାଟୋ ଦେଇକରି ଏକା ତ ମୁଁ ବେଶୀ କାଞ୍ଜି କରେ, ମୁଁ ତ ତୋରାଣି କାଞ୍ଜି କମ୍ ହିଁ କରେ, କାରଣ ଏତେ ତୋରାଣି ହୁଏନି ନା। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଲେମ୍ବୁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେବେଳେ ଦେବାର ବୋଲି ରସଟା, ତ ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ପୁରା କାଞ୍ଜି ହେଇସାରିବ ତାପରେ ଦେଇକରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ବାସ, ତାପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲେମ୍ବୁ କାଞ୍ଜି ପୁରା ରେଡ଼ି, ତାପରେ ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ତ ଏବେ ମୋର ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ରେଡ଼ି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ବାଢ଼ିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାଢ଼ିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଖାଇବି, ତ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ତଳ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣେନି ନା କ୍ୟାମେରାରେ, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କପି କପିକିରି ମୁଁ ଖାଇ ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ ସୁଟ୍ କିଛି କରିନଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ହବି ଆଉ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। କାଞ୍ଜି ଭାତ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଖିନି, ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନଥିଲି, ତ ଆଉଥରେ ଇଭିନିଂରେ ଖାଇଲା ଆସି ଭାବି ଆଉ ଝିଅ ଗରମ ଗରମ ଭଲ ଅଛି କାଞ୍ଜି, ଝିଅ କାଞ୍ଜି ଭଲ ହେଇଛି, ଓହ ଝିଅ ପୁରା ଆଇବଟେ କି କରି ଆଣିଲେ ଭଲ ହେଇଥିବ ଝିଅ। ତ ସାତଟା ଦଶ ସେ ଥାଉ ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁମେ ନ ଖାଇବ ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଏମାନେ ଖାଇଲେଣି, ବାବୁର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ବାବୁର କ୍ଲାସ ଅନ୍ୟ ଆଜି ବାପା ଝିଅର ଡିନର କାନାଡ଼ା କ୍ଲାସ। ଆଉ ଟିକେ ବେବି ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ପଢୁଛି କିରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କି ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ପାଠ ଚାଲୁଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିନି ଆଜି, ଖରାବେଳେ ଆଉ କରିପାରିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତଳରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର କାଞ୍ଜିର ମାନେ କାଞ୍ଜି ରେସିପିଟା ଖାଇକି ଦିଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଲା ନାଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଜିର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ,
आउ चैनल को सब्सक्राइब करे भूलिए नि संग माने संग माने बाय बाय। ಬಣದ ಚಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದದ ಚಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ಬಂದಿತು ಅವಳಿಗೆ ನಮ ಧರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರೆ ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲಕ್ಕೆ